हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम समझेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम के बारे में तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम के जनरल फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे अब ओरिजिन के बेसिस पे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरिस्टम दो तरह का होता है प्राइमरी मेरिस्टम जो कि प्लांट की अर्ली लाइफ में आता है और सेकेंडरी मेरिस्टम जो कि प्लांट की लेटर लाइफ में जब वो बड़ा हो जाता है तब आता है तो अब हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम को तो सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम प्लांट की अर्ली लाइफ में आता है तो अपियर्स अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट अब ये जो मेरिस्टम होता है ये एम्ब्रियो से या फिर कुछ सेल बड़ा जो भ्रूण होता है उससे ओरिजिनेट होता है इसलिए ये नया मेरिस्टम कहते हैं अर्ली मेरिस्टम कहते हैं या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम कहते हैं या एक और टर्म है प्रो मेरिस्टम तो जहां आप प्रो वर्ड देखेंगे इसका मतलब कि वो प्राइमरी मेरिस्टम की बात हो रही है अब ये क्या करता है प्लांट की इनिशियल बॉडी को जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे यंग प्लांट्स होते हैं वो यंग प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो होती है सिर्फ प्राइमरी मेरिस्टम की वजह से तो ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है और प्लांट की लेंथ को इम्प्रूव करता है लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है तो ये प्लांट को ऐसे ग्रो करने में हेल्प करता है ऐसे ग्रो करने में हेल्प नहीं करता है ऐसे ऊपर बढ़ने में हेल्प करता है अब जब ये प्लांट की पूरी लाइफ में होता है इट पर्सिस थ्रू आउट द लाइफ मतलब पूरी लाइफ में प्लांट की ये मेरिस्टेम होगा जो कि नए सेल्स बनाएगा वो सेल्स फिर डिफ्रेंशिएट होंगे वो नए सेल्स बनाएंगे तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है अब ये कहाँ पाया जाता है प्लांट में तो जो एपिकल मेरिस्टेम है मतलब एपेक्स पे शूट की टिप पे और रूट की टिप पे जो मेरिस्टम है वो मेरिस्टम क्या है प्राइमरी मेरिस्टम है बीच में जो परमानेंट टिश्यूज के बीच में दो नोट के बीच में जो मेरिस्टम होता है जिसको कि हम इंटर कैलरी मैरिस्टम भी कहते हैं वो भी प्राइमरी मैरिस्टम का ही एक पार्ट है अब ये देखिए प्राइमरी मैरिस्टम का स्ट्रक्चर तो सबसे पहले प्रो मैरिस्टम तो प्रो वर्ड आते ही वो हो जाएगा प्राइमरी मेरिस्टम अब आप देखिए कि प्राइमरी मैरिस्टम में वी कैन सी प्रोटोडर्म ग्राउंड मेरिस्टम और प्रो तो प्रोटोडर्म मतलब ये कौन सा टिश्यू बनाएगा ये डर्मल टिश्यू बनाएगा ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड टिश्यू बनाएगा और प्रो कैम्बियम तो कैम्बियम वर्ड का मतलब होता है वैस्क्यूलर टिश्यू बनाना तो प्रो कैम्बियम क्या करेगा वैस्क्यूलर टिश्यू बनाएगा तो इनिशियली जब प्लांट यंग होता है तो उसके अंदर जो डर्मल वैस्क्युलर और ग्राउंड टिश्यू बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं प्राइमरी मेरेस्टम की वजह से नेक्स्ट है सेकेंडरी मैरिस्टम अब सेकेंडरी मैरिस्टम की क्या प्रॉपर्टी है कि इट अपीयर्स लेटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट तो जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है थोड़ा थिक हो जाता है तब जो मैरिस्टम बनता है वो होता है सेकेंडरी मैरिस्टम तो ये किससे बना न्यू मैरिस्टम इन द परमानेंट सेल्स तो सेल्स जब थिक हो गए डेड हो गए उनके बीच में कुछ सेल्स रीडिफ्रेंशिएट हुए या वापस से ग्रोथ की या डिविजन की कैपेसिटी को उन्होंने रीगेन कर लिया तो वो जो सेल्स हैं वो बनाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम को अब ये सेकेंडरी मेरिस्टम के सेल्स क्या करेंगे ज़्यादातर रूट और शूट की साइड्स पे होंगे तो ये लैटरल ग्रोथ करेंगे तो इसीलिए जो लैटरल मेरिस्टम है वो सेकेंडरी मेरिस्टम का पार्ट होता है इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं तो लेंथ में जो प्लांट इंक्रीज कर रहा था या अर्ली जो ग्रोथ हो रही थी उसको क्या कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ और इस ग्रोथ को क्या कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ लैटरल इन और प्लांट के डायमीटर को या प्लांट की थिकनेस को मोटाई को बढ़ाता है ये ठीक है कहा मिलेगा ये कॉर्क कैम्बियम रूट कैम्बियम वैसक्यूलर कैम्बियम कैम्बियम का मतलब वैस्कुलर और ये जो है ये लेटर स्टेज पे जो ट्रांसपोर्ट के टिश्यूज होते हैं उन सारे टिश्यूज में मिलेगा आपको सेकेंडरी मेरिस्टम जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे आप यहां पे एपिकल मेरिस्टम है यहां एपिकल मेरिस्टम अब बीच में जो स्टेम है मोटा जो तना है उस पोर्शन में जो मेरिस्ट जो कैम्बियम है वैस्कुलर कैम्बियम उसमें जो मेरिस्टम है वो है सेकेंडरी मेरिस्टम इस डायग्राम में ये ट्रांसफर्स सेक्शन है क्लियरली आप देख सकते हैं कॉर कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम ये जो सारे हैं ये सेकेंडरी मेरिस्टम के पार्ट है तो समरी में हम ये जानते हैं कि बेस्ड ऑन द ओरिजिन दो तरह के मेरिस्टम्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी अर्ली लाइफ में मिलेगा सेकेंडरी लेटर लाइफ में मिलेगा प्राइमरी जनरली लेंथ को इंक्रीज करेगा और सेकेंडरी जनरली डायमीटर या गर्थ को इंक्रीज करेगा और ये परमानेंट टिश्यूज से ही डिराइव होता है और सेकेंडरी जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम के बारे में अब आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे अलग टाइप के मेरिस्टेम्स के बारे में तब तक थैंक यू tutorialspoint.com पॉइंट डॉट कॉम सिंपली इजी लर्निंग